क्रोध कैसा है, क्रोध की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो क्रोध से अपने आप को संभाल के रखना। बोले क्यों? तो कहा क्रोध कैसा है, तो कहा यह एक तीक्ष्ण विष है। ये क्रोध क्या है? बोले विष है। कैसा है? बोले कड़वा है। बोले कैसा है? सिर दर्द करने वाला है। जब क्रोध आता है तो माथा दुखता है कि नहीं दुखता है? और जब क्रोध व्यक्ति करता है तो इसको विष कहा गया है, और विष अपने अंदर आता है, और जब विष अपने अंदर आता है तो फिर नुकसान अपन को ज्यादा होता है कि जिसपे क्रोध किया उसको? क्या लगता है? जब क्रोध आया यानी विष अंदर आया, और विष अपने अंदर जगा तब जाके क्रोध कर पाए, और जब क्रोध किया यानी विष अंदर आया तो जिसपे क्रोध किया उसका ज्यादा नुकसान हुआ कि जो क्रोध कर रहा है उसका? सब लोग जानते हैं फिर भी क्रोध करना छोड़ते। इसलिए कह दिया कि क्रोध एक विष है। और ये विष कैसा है? कहीं मैंने सुना था कि एक सर्प किसी कारखाने के अंदर आ गया और वहां पे एक तलवार पड़ी हुई थी, और जैसे तलवार से बच के वो सांप निकल रहा था तो तलवार की धार उसके शरीर में जरा सी टच हो गई और उसे बड़ी पीड़ा हुई, और जैसे पीड़ा हुई बड़ा गुस्सा आया, और जैसे गुस्सा आया तो तलवार को काटने के लिए सर्प ने अपने मुंह से डंक मारा। अब तलवार के ऊपर डंक मारेगा तो उसे लगेगा कि मैं उसे खत्म कर दूं, पर तलवार के ऊपर डंक मारा तो पीड़ा किसको होगी, तलवार को या सर्प को? मुंह में से खून निकलने लगा, फिर भी लगा कि नहीं अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे गुस्सा किया है, इसने मुझे पीड़ा दी है, मैं और बदला लूंगा। और फिर जोर जोर से प्रहार जितना जितना तलवार पे करने लगा, पूरा चेहरा उसका कट गया, लेकिन उसे लगा कि नहीं इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने लपेट में इसको ले लूंगा। ये विचार करके सर्प ने उस तलवार को मारने के लिए अपना पूरा शरीर तलवार के ऊपर लपेट दिया कि मैं इसे बदला लूंगा, मैं इसे बदला लूंगा, इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो तलवार पे उसके अलग अलग हुए हुए सिर्फ टुकड़े बचे थे। यह क्रोध, जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तब ये दो चीजों को याद कर लेना, सर्प और तलवार। जब प्रहार कर रहे हो तो आपको लगता है आप उसको पीड़ा दे रहे हो, पीड़ा उसको बाद में, पहले विष आपको जला रहा है, विष आपको परेशान कर रहा है। इसलिए यहां कह दिया कि एक ये विष क्या है? बोले एक तीक्ष्ण विष है, कड़वा है, सिरदर्द करने वाला है, पापी है, क्रूर है। क्रूर है यानी क्या? जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को यह विवेक भी नहीं रहता कि मैं किसके आगे बोल रहा हूं। जब क्रोध आता है तब यह भी विवेक नहीं रहता मैं कैसे शब्द बोल रहा हूं, यह विवेक भी नहीं रहता कि मैं तो बोल गया अब उस पर क्या असर होगी। ये क्रोध रूपी विष क्या है? दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे ये मुख पे ही रखेंगे, पी नहीं पाएंगे। लेकिन जो सज्जन लोग होंगे वही क्रोध को अपने अंदर उतार पाएंगे, क्रोध को पी सकेंगे। तो अपनी परीक्षा कर लेने की कि जब क्रोध आवे तो अपन कितनी देर मुख में रखते हैं और कितनी जल्दी अंदर। बहुत बढ़िया। और मैं तो जानता हूं कि आप सब तो ऐसे सज्जन हो कि रोज पी जाते होंगे। तो हे राजन, इस क्रोध को पी जाओ और शांत हो जाओ। और यदि राजा आप शांत हो गए तभी तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे। ये वस्तु यहाँ पे कही।